खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद मिला नागरिकता कानून। बताते चले कि ऋषिकेश में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने CA को राष्ट्रीय हित में बताया। बुधवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे भाजपा के महामंत्री अनिल गोयल। आइए देखते हैं उत्तराखंड से मंजू शाह की यह रिपोर्ट। ऋषिकेश में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने CAA को राष्ट्रीय हित में बताया। बुधवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल देहरादून रोड स्थित समाधा आश्रम में पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा नेता गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है, इस संशोधन के लिए 70 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून देश के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह देश के हित के लिए इस कानून को लेकर आए हैं। यह निर्णय नया भारत के निर्माण में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से पीड़ितों का राय हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, खुद एवं जैन धर्म वालीन को भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय पहले स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता संशोधन कानून का भारत के किसी भी धर्म के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। CAA के पक्ष में चलाए जा रहे प्रदेश व्यापारी कार्यक्रम की भी विस्तृत जानकारी पत्रकार वार्ता में दिए। मैंने, हम लोगों ने बार बार कहा है, मंचों से कहा है, प्रेस वार्ताओं में कहा है, रैलियों में कहा है कि इसमें और उसकी मुख्य धारा 4 वर्ड का तो संशोधन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये संशोधन किसी को नागरिकता देने के लिए है, किसी से नागरिकता लेने के लिए नहीं है। इस देश में बसे हुए चाहे वो मुस्लिम साथी हैं या सिख साथी हैं या और समुदाय के अल्पसंख्यक हैं, उनकी पूर्ण सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार का है। वो भारत के नागरिक हैं, उनको किसी तरह का थ्रेट नहीं है। ये सिर्फ एक वायुमंडल बनाया जा रहा है। विपक्ष के पास आज करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, वो हर मोर्चे पे फेल है। उन्हें ये राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा सरकार ने सटा दिया, 70-35 का मुद्दा सरकार ने सटा दिया, 3 तलाक का नियम हम ले आए, अनेकों निर्णय ऐसे हो गए, इसलिए उन्हें ये लगने लगा कि वो किस तरह से अब अपने का वजूद को किस तरह से बचाए, किस तरह से वो और भ्रम करना आपसी तालमेल उनमें है नहीं, भ्रम करने में वो तक बाहर है, उन्हें सत्ता के बिना से दूर रहना आता नहीं है। और उन्होंने पिछले 60 सालों